वेरी गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, मैं प्रीति शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ISBN नंबर और ISSN नंबर। ठीक है, तो ये जो ISBN नंबर और ISSN नंबर है ये आपका BLIS 103 का पार्ट है, यानी कि जो पेपर आपका 103 का है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन थ्योरी का, उसका पार्ट है। ठीक है, तो इसे हम डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ISBN नंबर होता क्या है। तो ISBN नंबर एक प्रकार से हम कह सकते हैं एक यूनिक नंबर है और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है। और ये जो नंबर होता है ये बेसिकली जो बुक्स होती हैं या टेक्स्ट बुक होती है, माइक्रोफॉर्म्स होते हैं, उनको प्रोवाइड कराई जाती हैं नंबर वाले। ठीक है, और इस अगर हम बात करें कि इसका यूज़ क्या होता है, तो ये पब्लिशर्स, बुक सेलर्स, रिटेलर्स, लाइब्रेरियंस या फिर हम जो लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि बेसिकली जब हम लोग बुक्स को परचेज करते हैं लाइब्रेरीज में या फिर किसी और पर्पज़ के लिए, तो उसके लिए हमें ISBN नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक यूनिक नंबर होता है। आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है और इसमें आपकी बुक्स की सभी डिटेल्स गिवन होती है, जैसे कि पब्लिशर का नाम, उसका लोकेशन या फिर आपका बुक्स किस फॉर्म में है। ठीक है, तो सारी डिटेल्स इसमें गिवन होती है और एक यूनिक नंबर होता है। तो जब हम लोग बुक्स को परचेज करते हैं इंटेंट फॉर्म के थ्रू लाइब्रेरीज में, तो डुप्लीकेट सर्च में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि डुप्लीकेट सर्च में अगर हम ISBN नंबर के थ्रू सर्च करते हैं कि वो बुक लाइब्रेरी में है या नहीं है, तो वो तुरंत हमें एग्जैक्ट सेम बुक तक पहुँचाता है अगर वो बुक लाइब्रेरी में होती है। अगर वो नहीं होती तो हम उसे ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो ये ISBN नंबर की एक मतलब इम्पोर्टेंस होती है कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें हमारी बुक की एडिशन, बुक की पब्लिकेशन डिटेल्स, सभी डिटेल्स गिवन होती है। और ISBN नंबर इज प्रोवाइडेड बाय राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन इंडिया। और बात करें अगर हम कि जो ISBN नंबर है वो कौन सी संस्था प्रोवाइड कराती है इंडिया में, तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन ये ISBN नंबर प्रोवाइड कराती है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं कि ISBN नंबर की हिस्ट्री क्या थी या ओरिजिन कहाँ से हुई थी। तो सबसे पहले जो ISBN नंबर, अभी हम आज के डेट में इसे ISBN नंबर के नाम से जानते हैं, बट पहले जब स्टार्ट हुआ था ये तो उस समय स्टैंडर्ड बुक नंबर के नाम से जानते थे। और इसे इंट्रोड्यूस करने वाले सर गॉर्डन फॉस्टर थे और जिन्होंने 1966 में इसे इंट्रोड्यूस किया था, और ये स्टार्टिंग में 9 डिजिट का था। और इसके बाद अगर हम बात करें कि इसे पहचान दिलाने वाले कौन थे, तो सर डेविड व्हाइटकर, जिन्हें हम फादर ऑफ ISBN के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा भी जाता है कि फादर ऑफ ISBN के नाम से हम किसे जानते हैं, तो सर डेविड व्हाइटकर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सर डेविड व्हाइटकर। ठीक है, तो ये हमारे फादर ऑफ ISBN कहलाते हैं और इन्होंने 1967 में इसे पहचान दिलाई थी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नंबर के नाम से, और अभी भी ये 9 डिजिट का ही था। इसके बाद आपका जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आपकी जो ISO है, सॉरी WH स्मिथ द लार्जेस्ट बुक रिटेलर इन ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन थी रिटेलर बुक्स की, और इसमें उन्होंने अपने जो कंप्यूटराइज वेयर हाउस के लिए ISBN नंबर का यूज़ किया था 1967 में। ठीक है, और साथ ही साथ अभी भी 9 डिजिट का ही चल रहा है, और 10 डिजिट का जब हुआ, जबकि इन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे 10 डिजिट में मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था। पहले अगर बात करें हम ISBN स्टैंडर्ड बुक नंबर जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो भी 9 डिजिट का था, और उसके बाद जब पहचान दिलाई थी सर डेविड व्हाइटकर ने तो भी 9 डिजिट का था, और जब WH स्मिथ लार्जेस्ट बुक रिटेलर कंपनी में इसका वेयर हाउस में यूज़ किया गया था तो भी 9 डिजिट का था। लेकिन लास्ट में 1970 में, यानी कि 1970 में ISO ने इसे 10 डिजिट में कन्वर्ट किया, और इसके बाद अभी लगभग 30 ईयर्स तक ये 10 डिजिट का ही बना रहा, और 1 जनवरी 2007 में ये 13 डिजिट का हो गया। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 13 डिजिट का जो ये ISBN नंबर है वो किस तिथि को हुआ या किस डेट को ये हुआ, तो ये 1 जनवरी 2007 से ये 13 डिजिट का हो गया। और इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि ये 13 डिजिट में क्या चेंजमेंट आए या क्या मॉडिफिकेशन किए गए, तो इसमें कुछ खास नहीं, इसमें आपके जो इनिशियल लेटर थे आपके EAN, तो EAN को ऐड किया गया जो कि 978 या फिर 979 के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये आपका 13 डिजिट हो गया था इसके बाद, और ये आपका ये एक स्टैंडर्ड है और इसके थ्रू इसे मेंटेन किया जाता है।
और इसके पार्ट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। यस सॉरी, एक कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे कि जैसे मैंने बताया आपको कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा इसे मतलब प्रोवाइड कराया जाता है इंडिया में। और इसी प्रकार अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल लेवल पर ये जो नंबर होता है इसे कौन सी संस्था प्रोवाइड कराती है, तो ये आर आर बाउकर है जो कि यूएसए के एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको आईएसबीएन नंबर प्रोवाइड कराती है बुक्स को मतलब। और इसी प्रकार से एक और है आपकी विल्सन बुक ट्रस्ट जो कि यूके की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी आपको ये आईएसबीएन नंबर बुक्स को प्रोवाइड कराती है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें एक इसमें अपडेट भी इंफॉर्मेशन भी दी हुई है कि अगर आप आईएसबीएन ऑनलाइन पोर्टल पे जाते हैं जो कि लॉन्च हुआ था 2016 में श्रीमती स्मृति ईरानी द्वारा जो कि उस समय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर थी, तो इस पे अगर आप तो इस पोर्टल पे जाते हैं आईएसबीएन ऑनलाइन पोर्टल पे, तो जो भी आपको आईएसबीएन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है कि आईएसबीएन क्या होता है, इससे के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पोर्टल के थ्रू मिल जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसके एलिमेंट्स कैसे हैं, कितने होते हैं और एक दिखता कैसे है। ठीक है, तो आप बुक्स के बैक साइड में आपको ये शायद देखने को मिलता है और साथ ही साथ आपके वर्सो ऑफ टाइटल पेज पे भी नजर आता है। ठीक है, तो ये आईएसबीएन नंबर होता है और इसमें पांच एलिमेंट्स होते हैं, पांच पार्ट्स होते हैं और अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग नाम भी होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया जब 10 डिजिट से 13 डिजिट में कन्वर्ट हुआ था, तो ये जो स्टार्टिंग के इनिशियल आर्टिकल नंबर EAN बोलते हैं इसे, इसको ही ऐड कर दिया गया था और तब ये 10 से 13 में कन्वर्ट हो गया था। और ये जनरली 978 या फिर 979 के फॉर्म में होता है और इसको प्रीफिक्स डिजिट भी बोलते हैं। और आपका जो सेकेंड होता है वो जियोग्राफिकल लोकेशन को मतलब दर्शाता है, और जो सेकेंड आपका जो थर्ड पार्ट होता है वो पब्लिशर की डिटेल को मतलब प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ जो आपका फोर्थ पार्ट होता है ये आपके बुक का फॉर्म क्या है, बुक का टाइटल क्या है, एडिशन क्या है, तो उसके बारे में दर्शाता है कि बुक आपका मतलब पोएट्री है या फिर ड्रामा है या फिक्शन है, किस तरह की किताब है, तो वो फोर्थ एलिमेंट द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो लास्ट डिजिट है आपका ये मतलब इसे बोलते हैं चेक डिजिट या फिर वेरीफाइंग डिजिट, इसके द्वारा हम लोग वेरीफाई करते हैं कि जो आईएसबीएन नंबर है ये करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं और कुछ इसके और भी थोड़े से इसमें क्वेश्चन बनते हैं जनरली कि एलिमेंट्स का क्या नाम है और कितने डिजिट के होते हैं पर्टिकुलर जो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने इसे प्रीफिक्स एलिमेंट के बारे में बताया, तो ये संख्या 978 या 979 के फॉर्म में ही होती है और 3 डिजिट की होती है मैक्सिमम। ठीक है, और जो सेकेंड पार्ट है जो कि रजिस्ट्रेशन ग्रुप कहलाता है जो कि लोकेशन को ट्रेस करता है कि वो बुक कहाँ किस स्टेट की है या किस कंट्री की है, वो आपका 1 से लेके 5 डिजिट तक होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर बात करें रजिस्ट्रांट एलिमेंट यानी कि जिसमें पब्लिकेशन या पब्लिशर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी होती है, वो आपके 7 डिजिट के लगभग होती है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें एलिमेंट्स फॉर पब्लिकेशन यानी कि जिसमें टाइटल या फिर एडिशन या फिर आपका किस फॉर्म में किताब है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो वो मैक्सिमम 6 डिजिट का होता है। ठीक है, और लास्ट जो बात कही जाती है चेक डिजिट जिसे हम लोग वेरीफाइंग डिजिट भी बोलते हैं, वो आपका सिंगल डिजिट में ही ऑलवेज आपको देखने को मिलेगा। और जो चेक डिजिट है बहुत बड़ी भूमिका निभाता है क्योंकि इससे हम लोग वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग इसको हम लोग कैसे वेरीफाई करते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो यहाँ पर एक आईएसबीएन नंबर निकालते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है और मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझाऊंगी भी कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे चेक करते हैं आईएसबीएन नंबर को, क्योंकि अगर आप लाइब्रेरी प्रोफेशन में हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी फेक बुक्स आ जाती हैं तो उस केस में हम लोग चेक करते हैं कि ये आपका करेक्ट बुक है या नहीं है, वो हम आईएसबीएन नंबर के थ्रू ही चेक करते हैं। तो मैं एक नंबर आपको दिखाती हूँ नंबर करके, जैसे कि मैंने यहाँ पर मैंने एक बुक ली है, यहाँ पर ये हिंदी की किताब है और इसमें एक आपको वर्सो ऑफ टाइटल पेज पे ही हमेशा आईएसबीएन गिवन होता है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक ये नंबर है, मैं इसे नोट डाउन करती हूँ और इसको निकाल के दिखाती हूँ। ठीक है, इसमें बेसिकली इसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं mod 10 के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं जो इतना भी नंबर दिया होता है ना इसमें अल्टरनेट बेसिस पे 1 का गुणा और 3 का गुणा करते हैं और प्लस करते जाते हैं, बाद में हम लोग 10 का डिवीजन करके जो रिमाइंडर आता है उसे हम लोग 10 से माइनस कर देते हैं। तो अगर वो वैल्यू
हमारी 6 डिजिट से मैच करेगी तो इट मीन्स हमारा जो ISBN नंबर है वो करेक्ट है। ठीक है, तो अभी हम इसको कैलकुलेट भी करके आपको दिखाते हैं एक बार। यहाँ पर एक ISBN नंबर है, यहाँ पर आपका एक नंबर है, ये 9789393 हाँ सर लिखे, हाँ सर ये लास्ट ये 6 डिजिट होता है, तो इसको आप कैलकुलेशन में यूज नहीं करेंगे, ये वेरीफाई करने के लिए होता है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली 9 × 1 + 7 × 3 अल्टरनेट बेसिस पे हम लोग यही करते जाएंगे। फिर हम लोग 8 × 1 + 9 × 3 देन 8 × 1 + 8 × 3 इसके बाद 1 × 1 + 6 × 3 + 5 × 1 अल्टरनेट बेसिस पे हम लोग करते जाएंगे 1 और 3 का मल्टीप्लीकेशन 3 × 3। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते जाएंगे। 6 हमने छोड़ दिया क्योंकि वो हमारा चेक पेज है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे 9 + 7 + 21 + 8 + 27 + 8 + 24 + 1 + 18 + 5 + 9। ठीक है, तो ये जो आप इसका जो कैलकुलेशन आएगा आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन आपका जो आएगा उसे डिवाइड करेंगे आप 10 से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 1 3 4 आएगा। ठीक है, 1 3 4, ठीक है, 1 3 4 आएगा। और इसे 1 3 4 को जब डिवाइड करेंगे आप 10 से तो आपका आएगा, आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो 4 बचेगा। ठीक है, आपका उसे 10 से जब 1 3 4 को डिवाइड करेंगे आपका जो ये नंबर है 134 को जब 10 से भाग करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो 4 बचेगा। और जब ये 4 को आप माइनस करेंगे 10, ये मॉड 10 से हम लोग वैल्यू मतलब कैलकुलेट कर रहे हैं मॉड 10 के थ्रू, तो जब 4 को हम लोग 10 से माइनस करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो 6 आएगा। ठीक है, और मॉड 10 का मतलब ये होता है कि आप इसको इसमें जो भी अगर आप माइनस वैल्यू भी आती है तो आपकी प्लस कंसीडर की जाती है, अगर प्लस है तो प्लस ही कंसीडर होती है। ठीक है, तो मॉड का मतलब होता है अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कंसीडर होती है। तो ये आपका रिमाइंडर जो आपका टोटल रिजल्ट एंड वैल्यू आएगी वो 6 आएगी, और ये जो आपका रिजल्ट आएगा वो हमेशा चेक डिजिट से मैच करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका जो नंबर है ISBN नंबर वो करेक्ट है। ठीक है, हमने क्या किया, अल्टरनेट बेसिस पे 1 × 1 का कैलकुलेशन किया प्लस 7 3 का मल्टीप्लाई किया और प्लस करते गए, और लास्ट में हमने क्या किया, जो हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद मतलब वैल्यू आती है उसे हम 10 से भाग देते हैं, और भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसे -10 करते हैं। ठीक है, तो वो मैच करना चाहिए हमारा चेक डिजिट से। तो ये हमारा ISBN कैलकुलेट करने का तरीका है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। अब हम बात करते हैं कि ISSN नंबर क्या होता है। यस, तो जैसा कि मैंने बताया कि ISBN नंबर आपका बुक्स के लिए या टेक्स्ट बुक के लिए यूज होता है, इसी प्रकार से ISSN नंबर यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, सीरियल से भी आपको क्लियर हुआ होगा कि सीरियल ये जनरली पीरियोडिकल सीरियल्स के लिए दिए जाते हैं, जैसे मैगजीन्स हो गए, आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर हो गए, या फिर जो कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद पब्लिश होते हैं उनके लिए ये नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, और ये जनरली 2 ग्रुप में मतलब होते हैं, 2 फॉर्म आपके 2 पार्ट्स में होते हैं, जैसे कि आपका ISBN नंबर 5 पार्ट्स में था, ये 2 पार्ट्स में होते हैं और 4 4 के ग्रुप में होते हैं, और इसे हाइफन द्वारा सेपरेट किया जाता है। ठीक है,
और इसे हम कैलकुलेट करते हैं 11 एल्गोरिथम से। वहां पर हमने किससे किया था, 10 एल्गोरिथम से, यहाँ पे 11 एल्गोरिथम से हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और ये ISSN नंबर के कुछ एग्जांपल्स हैं कि इस तरह से ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये ISSN के नंबर के बारे में था, और इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या, कहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी, ओरिजिन। यस, तो ये ISSN नंबर की बात करें कि एक कहाँ से शुरुआत की गई, तो इसे फर्स्ट ड्राफ्ट किया गया था ISO द्वारा, और इसे 1971 में ड्राफ्ट किया गया था। और इसके बाद अगर पब्लिश फॉर्म में कहें तो ISO 3297 ये स्टैंडर्ड है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आता है अक्सर कि ये 3297 क्या है, एक स्टैंडर्ड है ISO नंबर का। तो ये पब्लिश फॉर्म में अवेलेबल हुआ था 1975 में, ठीक है। और इसको भी मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ISO, ये आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, ठीक है। और ऑफिशियली अनाउंसमेंट इसका हुआ था 21 नवंबर 1976 में पेरिस में। और साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ है कि अगर ISO नंबर आपका प्रिंट कोई जर्नल है, मैगजीन्स है, उसका अलग होगा, और अगर वो ई फॉर्म में है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो वो उसका ISO नंबर अलग होगा, ठीक है। तो ये इसीलिए इसे PISO नंबर या फिर EISO नंबर इसको बोला गया है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट और प्रिंट फॉर्म, ठीक है। साथ ही साथ ये जैसे कि ISBN नंबर को भी कोई संस्था प्रोवाइड कराती है, इसी प्रकार से ISBN नंबर को भी NIST केयर प्रोवाइड कराती है, ठीक है। आपकी नेशनल साइंस लाइब्रेरी भी कहते हैं ये कोलकाता में स्थित, सॉरी दिल्ली में स्थित है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पे, तो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल सीरियस डेटा सिस्टम, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जहाँ पे सबसे पहले इसे अनाउंसमेंट किया गया था एज ए ISSN नंबर। तो इसके द्वारा इंटरनेशनल लेवल पर ISSN नंबर प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। और ये दिखता कुछ इस प्रकार से है, और ये जो पहला एलिमेंट है, पहला पार्ट है, उसमें टाइटल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी होती है, और जो सेकेंड पार्ट होता है इसमें आपको चेक डिजिट यानी कि हम लोग वेरीफाइंग जो डिजिट होता है उसके बारे में दर्शाता है। और अब हम लास्ट में डिस्कस करते हैं कि ये कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि हमने ISBN को नंबर को कैलकुलेट करना सीखा था, इसी प्रकार से हम लोग सीखते हैं कि यहाँ पे हम लोग इस नंबर को भी ISBN नंबर को भी कैसे वेरीफाई करते हैं चेक डिजिट द्वारा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, वो हम अंतर समझ लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो ये नंबर आपको दिख रहा होगा, सॉरी ये जो नंबर आपको दिख रहा है, वहां पर हमने अलग कैलकुलेशन की थी, यहाँ पे थोड़ा अलग करेंगे, आप उसको माइंड से अभी भूल जाइए। तो ये जो नंबर है 1, इसको छोड़ देंगे, बाकी जो हमारे पास नंबर है उसको ले लेंगे, ठीक है। ये जो नंबर है इसको हम छोड़ देंगे, और बाकी जो नंबर है हमारे पास वो लेंगे, और इसको हम लोग हमारे जो ये 8 डिजिट का होता है ना, तो हम इसे मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि पहले हम लोग 8 लेंगे, 7, 6, 5, 4, 3 इस तरह से लेते हुए कैलकुलेट करेंगे, प्लस करेंगे, फिर डिविजन करेंगे 11 से, जो रिमाइंडर आएगा उसे भी माइनस कर देंगे 11 से, ठीक है। तो 0 × 8 + 3 × 7 + 1 × 6 + 7 × 5 + 8 × 4 + 4 × 3 + 7 × 2, ठीक है। तो ये जो हमारा अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 120 की वैल्यू आएगी, ठीक है। और इसे हमें 11 से डिवीजन भाग देना है, ठीक है। तो अगर हम लोग भाग देंगे 11 से तो आपकी जो संख्या आएगी वो 10 आएगी, और इसे हमें 10 को माइनस करना है 11 से, जैसे कि हमने उसमें किया था। ये आपका मॉड 11 है, इसे हम लोग 11 से माइनस कर रहे हैं, तो जो हमारी संख्या आएगी वो 1 आएगी, और ये जो 1 संख्या आपको दिख रही है ये इससे मैच कर, इट मीन्स कि आपका जो ISSN नंबर है वो करेक्ट है, वो आपका जो आर्टिकल्स है वो ट्रू है और फेक नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेरीफाई करते हैं ISSN नंबर और ISBN नंबर। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा, और मॉड सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था कि ये मॉड में कोई भी वैल्यू होती है वो पॉजिटिव कहलाती है, ठीक है। तो ISSN नंबर हमने कैलकुलेट करना सीखा यहाँ पे, और ISBN नंबर को भी कैलकुलेट करना सीखा।
लास्ट में कुछ डिफरेंसेस हैं वो हम ले लेते हैं। यस, और अब हम थोड़े से कुछ डिफरेंसेस क्या होते हैं ISBN नंबर और ISO नंबर के बारे में वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ISBN नंबर मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बुक्स, टेक्स्ट बुक्स या मोनोग्राफ्स के सिंगल पब्लिक मतलब सिंगल बुक्स के केसेस में होता है, और अगर हम बात करें ISBN नंबर तो एक सिक्वेंस यानी कि सीरीज होती है, चाहे वो आपकी मैगजीन हो, आर्टिकल्स हो, जर्नल से कोई पत्रिका हो सकती है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका इसके द्वारा आप स्पेसिफिक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं और एक सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये पीरियोडिकल है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका पब्लिशर्स ISBN नंबर हाईलाइट्स द पब्लिशर ऑफ बुक्स, पब्लिशर्स को हाईलाइट करती है। और साथ ही साथ इसमें भी आपका एक बात और मैं बताऊंगी, इस ISBN नंबर जरूरी होता है किसी बुक के पब्लिश करने के केस में। और अगर ISBN नंबर की बात करें तो कोई ऑथर अगर कोई जर्नल या आर्टिकल पब्लिश करा रहा है तो जरूरी नहीं कि उसे ISBN नंबर मतलब के लिए अप्लाई करना पड़े, तो उस केस में तो जरूरी नहीं होता, बट बुक के केस में जरूरी होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। और एप्लीकेशन ऑफ ISBN कंपल्सरी फॉर द पब्लिशर, यहाँ पे मैंने वही बात कही कि कंपल्सरी होता है बुक के केस में और रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी आपके जर्नल के केस में, ठीक है। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू मोनोग्राफ और टेक्स्ट बुक दैट आर नॉट पब्लिश रेगुलरली, यानी कि जो बुक्स होती हैं जर्नल बुक्स होती हैं या टेक्स्ट बुक होती हैं वो इसके रेगुलर पब्लिकेशन नेसेसरी नहीं होते, और इसमें रेगुलर पब्लिकेशन ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सिक्वेंस में होता है, सीरीज में होती है, पीरियडिसिटी में होती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं ISBN नंबर और ISSN नंबर के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और आज हमने डिस्कस किया कि ISBN नंबर होता क्या है, ओरिजिन कहाँ से हुई, इसे क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, और कौन सा एलिमेंट किस चीज़ को दर्शाता है और किसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। और साथ ही साथ हमने आज सीखा कि इसे कैलकुलेट करते हैं कैसे, जो कि किसी भी लाइब्रेरी प्रोफेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।